छत्तीसगढ़ वन विभाग के धरमजयगढ़ वन मंडल में आए दिन हाथियों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही। लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के कारण 4 माह के भीतर 5 हाथियों की मौत हो गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी पूर्ण रूप से दोषी है, जो कि 5-5 हाथियों की मौत के बाद भी दोषी वन मंडला अधिकारी अभिषेक जोगावत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और यहां तक कि मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर राजेश चंदेले, जो कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो कि सब चीज होने के बाद भी अपने आंखें बंद करके रखते हैं। बेलगाम अधिकारी कर्मचारी की निष्क्रियता साफ साफ झलक रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हाथी कॉरिडोर लेमूर परियोजना में हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, किंतु छत्तीसगढ़ में आज भी हाथी सुरक्षित नहीं है। अब देखना यह है कि वन मंत्री किस हद तक कार्रवाई करते हैं। ऐसे धरमजयगढ़ वन मंडल में लंबे समय से कर्मचारियों की पदस्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके कारण सरकारी अधिकारी कर्मचारी मनमौजी तरीके से कार्य करते हुए लापरवाही बरत रहे हैं। रेंजर सभी विश्राम गृह में आराम फरमाते रहते हैं। दोषी अधिकारी व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज करते हुए हाथी की मौत के कारण व उम्र के साथ नरिया मादा हाथी, इस पर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही। वही हाथी की मौत का प्रथम दृष्टया करंट लगने से होने के साथ नर हाथी का होना अनुमान लगाया जा रहा है। वन मंडल धरमजयगढ़ के गेरसा में जहां एक बार फिर वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। धरमजयगढ़ रेंज के गेरस में एक मृत हाथी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। वही घटना बीती रात की है, जिसकी जानकारी विभाग को आज दोपहर में हुई। फिलहाल जानकारी के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच चुका है। घटना गेरसा बैगिन झरिया के RF-405 की है, जहां मृत हाथी का शव मिला है। लगभग 2 माह के भीतर ये चौथी हाथी की मौत है, जिससे एक तरफ वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ से अब्दुल सलाम कादरी के साथ धरमजयगढ़ महासमुंद से अश्विनी सोनी की खास रिपोर्ट।